हेलो एवरीवन, जैसा कि कल हमने स्टील के प्रीवियस लेक्चर में परमिसिबल स्ट्रेस की डेफिनेशन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था, परमिसिबल स्ट्रेस इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस, जो कि हम बोल देते हैं एफ यू अपॉन का फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ये रेशियो होता है, ठीक है। जब हम यील्ड स्ट्रेस को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है ना। और फिर क्या है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.674 एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन, मतलब बोथ के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 1.67 होती है, ठीक है। और फिर अब नेक्स्ट क्या है कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है बियरिंग बेंडिंग के केस में 1.5 होता है, और शीयर स्ट्रेस के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो वैल्यू होती है 2.5 होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कुछ जो परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, टेंशन के लिए, कंप्रेशन के लिए, शीयर स्ट्रेस के लिए, बेंडिंग के लिए क्या क्या होती हैं, अब उनको हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है ना। और ये वैल्यू हमको डायरेक्टली हमेशा याद रखनी, क्योंकि ये मतलब हर एक एग्ज़ाम में रिपीट होती रहती हैं, ठीक है ना, इसको स्किप नहीं करना है, ठीक। तो एज़ पर WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले आपको हम थोड़ा सा एक बताएंगे आईएस कोड के बारे में, ठीक है, क्योंकि अब जो सवाल आते हैं आपके आईएस कोड से रिलेटेड आते हैं, ठीक है, क्या क्या सवाल आते हैं, ठीक है, और देखते हैं वो कैसे बनते हैं, हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो कोडल प्रोविजन से डायरेक्टली पूछ लेते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि हमारा ये है सम इम्पॉर्टेंट कोड्स ISO 56-2000, किसके लिए है, RCC के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, बट हमको यहाँ नहीं या फिर कहीं और तो पढ़ना याद तो करना ही है ना। ये तो है नहीं कि हम इसको स्किप कर देंगे और याद नहीं करेंगे। तो हमको यहाँ पे WSM जो मिला था इसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी, ठीक है, और इसमें मैंने सारा कुछ लिख दिया है। तो इसको गो थ्रू करना है बस ऐसे और याद रखना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, RCC के लिए है IS 456-2000 और IS 800-2007 जो है वो स्टील के लिए है। तो स्टील में दो मेथड है, एक है WSM, एक है LSM, ठीक है, वर्किंग स्टेट मेथड, और एक है लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है ना। तो 1984 को हम बोल देते हैं WSM, ठीक है, बहुत पुराना हमारा मेथड है ये, ठीक है। और 2007 में जब हमारा अमेंडमेंट हुआ तो इसको हम बोल देते हैं IS कोड का LSM, ठीक है। तो मैं आपको वही बताने के लिए यहाँ पे मैंने देखा 1984, तो इसलिए मैंने ये टेबल आपको बताई। और फिर IS 1343 में हमारा प्री स्ट्रेस आता है, ये जो प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट जो कि RCC का पोर्शन है लास्ट वाला ये, और IS 102 और 62 में डिज़ाइन मिक्स आता है, एक होता है नॉमिनल मिक्स, एक होता है डिज़ाइन मिक्स, ठीक है। और फिर IS 383 जो होता है हमारा, वो होता है फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट के लिए। अगर आप इसको याद करेंगे तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी फंस जाते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। फिर आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, मैंने क्या बोला कि एज़ पर WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड कब था, 1984 में, ठीक है। WSM इसमें क्या बोल रहा है कि जो मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल स्ट्रेस है इन टेंशन के केस में कितना होता है, 0.6 FY, ठीक है, और कंप्रेशन के लिए भी यही होता है, ठीक है। तो कंप्रेशन और टेंशन के लिए जो एक्सियल स्ट्रेस होता है वो कितना कितना होता है हमारा, 0.6 FY, ठीक। और फिर सेकंड क्या है कि मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन एज वेल एज इन टेंशन क्या हो जाएगा, सिग्मा BC की वैल्यू 0.66 FY, ठीक। फिर आता है मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन कॉलम, कॉलम के केस में कितना हो जाएगा, सिग्मा सी की वैल्यू 0.75 FY, ठीक है, ठीक। फिर मैक्सिमम परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेस, टाऊ एवरेज जो वैल्यू होती है वो कितना हो जाएगा, 0.40 FY, और मैक्सिमम परमिसिबल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जिसे हम बोलते हैं टाऊ वी मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0.45 FY। ये तो हमारी हो गई एक टेबल, ठीक है, इसको हमेशा हमको याद रखना है। बट कितनी चीज़ें हम हमेशा याद रख पाते हैं वो तो हमको ही पता है, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम के टाइम चीज़ें भूलना शुरू हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हॉट स्पॉट हो जाता है, तो ठीक है।
इसमें क्या है, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे बोल रहा है कि मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल, ठीक है, एक्सियल बोला तो ए आ रहा है ना, और जब अल्फ़ाबेट हम शुरू करते हैं ए बी सी डी, तो वहाँ ए की जो वैल्यू होती है वन होती है ना, ए से हमारा एक्सियल हुआ, तो वहाँ पर जो देखो क्या है कि 0.6 FY, ठीक है, मीन्स सिंगल टाइम 6 आया यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक हमारा ये हो गया एक्सियल केस। सेकेंड क्या है हमारा बेंडिंग, ठीक है, बी फॉर सेकेंड लेटर और बी फॉर बेंडिंग, ठीक है, हमारे लिए यहाँ पे तो 0.66 टू टाइम्स आया ना, और इसका प्लेस वैल्यू ही 2 था। तो ये हमारी कुछ ऐसी ट्रिक है, अगर आपको ऐसे ही याद हो तो मतलब है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है मैक्सिमम परमिसिबल एवरेज में, क्या मैंने बताया था कि ये एवरेज बोल रहा है ना, ना कि मैक्सिमम बोल रहा है, तो 0.40 FY हो गया, बट यहाँ पे मैक्सिमम बोल रहा है तो 0.45 FY, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक की, ठीक है। 0.4 क्या होता है, 0 ये परसेंट होता है यील्ड स्ट्रेंथ का, ठीक है, स्टील का जो यील्ड स्ट्रेंथ है उसको FY से डिनोट करते हैं, ठीक, और कॉन्क्रीट की तो FC से करते हैं, उसको हम RCC में देखेंगे। और अगर मान लो आपको एक्सियल की स्ट्रेस की वैल्यू नहीं दे रखी है टेंशन कंप्रेशन में, तो FY की वैल्यू दे रखी है, तो आप उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करके वहाँ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा एक नोट पॉइंट आता है कि व्हेन विंड एंड अर्थक्वेक लोड्स आर कंसीडर्ड परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील स्ट्रक्चर आर इंक्रीज बाई 33.33%, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि एंड इन केस ऑफ रिवेट एंड वेल्ड इट्स इंक्रीज बाई 25%, ठीक है। जब ये सारे फोनोमिनाज आते हैं तो जो स्टील स्ट्रक्चर होता है उसको हम 33.33% से इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या था कि जब हम स्टील स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि रिवेट बना रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तब हम 25% से इसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, कर लिया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कुछ अभी तक क्या था हमारा स्टील में बेसिस चल रहा था, ठीक है, बेसिक्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारा शुरू होता है कनेक्शन, ठीक है, रिवेट एंड बोल्ट कनेक्शन, ओके। तो यहाँ पर क्या है कुछ सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है, कनेक्शन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। फिर एक ये हमारा प्लेट है, स्टील प्लेट है, ठीक है, जिसमें दोनों से हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और इसमें चार ऐसे रिवेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू हम, इस फिगर के थ्रू हम जितनी भी डेफिनेशन हैं उनको समझेंगे, ठीक है, तो वो हमको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा फिगर देख कर अगर हम स्टडी करेंगे तब, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि पिच क्या होता है, कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स क्या होता है हमारा लगातार, एक के बाद एक मीन्स कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, ये हमारा हो गया पिच। जैसे कि ये रिवेट और ये रिवेट के जो डिस्टेंस है दोनों के बीच के सेंटर टू सेंटर, इसको हम बोलते हैं पिच इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आपको कुछ कर लिया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कुछ अभी तक क्या था हमारा स्टील में बेसिस चल रहा था, ठीक है, बेसिक्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारा शुरू होता है कनेक्शन, ठीक है, रिवेट एंड बोल्ट कनेक्शन, ओके। तो यहाँ पर क्या है कुछ सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है, कनेक्शन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। फिर एक ये हमारा प्लेट है, स्टील प्लेट है, ठीक है, जिसमें दोनों से हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और इसमें चार ऐसे रिवेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू हम, इस फिगर के थ्रू हम जितनी भी डेफिनेशन हैं उनको समझेंगे, ठीक है, तो वो हमको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा फिगर देख अगर हम स्टडी करेंगे तब, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि पिच क्या होता है, कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स क्या होता है हमारा लगातार, एक के बाद एक मीन्स कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, ये हमारा हो गया पिच। जैसे कि ये रिवेट और ये रिवेट के जो डिस्टेंस है दोनों के बीच के सेंटर टू सेंटर, इसको हम बोलते हैं पिच इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
ये आपको कुछ कर लिया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कुछ अभी तक क्या था हमारा स्टील में बेसिक्स चल रहा था, ठीक है। बेसिक्स हमने कंप्लीट कर लिए, अब हमारा शुरू होता है कनेक्शन, ठीक है, रिवेट एंड बोल्ट कनेक्शन। ओके, तो यहाँ पर क्या है, कुछ सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है, कनेक्शन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। फिर एक ये हमारा प्लेट है, स्टील प्लेट है, ठीक है, जिसमें दो से हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और इसमें चार ऐसे रिवेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू हम, इस फिगर के थ्रू हम जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको समझेंगे, ठीक है। तो वो हमको थोड़ा सा इजी हो जाएगा फिगर देख अगर हम स्टडी करेंगे तब, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि पिच, पिच क्या होता है, कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स क्या होता है, हमारा लगातार, एक के बाद एक मीन्स कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये हमारा हो गया पिच, जैसे कि ये रिवेट और ये रिवेट के जो डिस्टेंस है दोनों के बीच के, सेंटर टू सेंटर, इसको हम बोलते हैं पिच इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आपको क्लियर हो गया होगा, फिगर के थ्रू काफ़ी इजी पड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा गेज, गेज क्या होता है कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिवेट्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये हमारे दो रिवेट्स लगे हुए हैं और सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर टू फोर्स, ये फोर्स ऐसा लग रहा है हॉरिजॉन्टली, और ये इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच को, उसको हम गेज डिस्टेंस बोल देते हैं, ठीक है। तो पिच और गेज एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट सेम ही है। फिर क्या है नेक्स्ट, हमारा एज डिस्टेंस आता है, ठीक है। एज डिस्टेंस क्या होता है हमारा, कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ मेंबर और कवर प्लेट एंड द सेंटर ऑफ द नियरेस्ट रिवेट होल, ठीक है, परपेंडिकुलर। जैसे कि ये है यहाँ पे लास्ट बोल्ट, ये है यहाँ से, और जो ये प्लेट का एंड पोर्शन है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है टू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसको हम एज डिस्टेंस बोल देते हैं, ठीक है, एज है, ठीक है। और एक होता है एंड डिस्टेंस, और एंड डिस्टेंस क्या होता है कि जो रिवेट है एंड वाला, उससे इस प्लेट के जो बीच का डिस्टेंस है, मतलब कि पैरेलली, उसको हम बोल देते हैं एंड डिस्टेंस। ओके, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। तो इसमें क्या है, एज में परपेंडिकुलर है, और इसमें क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिवेट एंड एंड ऑफ द प्लेट एलिमेंट मेजर्ड पैरेलल टू द फोर्स। मैंने बताया ना कि फोर्स की डायरेक्शन में जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो होती है हमारी एंड डिस्टेंस, ठीक है। और एक हमारा आता है डायगोनल पिच। तो अब डायगोनल पिच क्या होता है हमारा, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट रिवेट इन द डायगोनल डायरेक्शन। ओके, एक जैसे कि होता नहीं है कि डायमंड शेप का कुछ ऐसा, जब हम रिवेट्स लगाते हैं ऐसे 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 लगा ऐसे, ठीक है ना, कुछ इस तरह से जब हमारा लगता है, तो जो इसका ये होता है ऐसे जो डिस्टेंस होती है, इसको हम बोलते हैं डायगोनल डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू एडजेसेंट रिवेट इन द डायगोनल डायरेक्शन, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसे करके है हमारा, ऐसे ऐसे फिर इतना ऐसे बनाया, तो ये जो मेरी जो डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं डायगोनल डायरेक्शन, ठीक है। आज बस यहीं तक के लिए, नेक्स्ट कल हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ गिव मी रिस्पॉन्स।